वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। एंड आज मैं एक ब्लॉग बनाने वाली हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे हो, यहाँ पे लड़ियाँ मैं लगा रही हूँ क्योंकि अब दिवाली आने वाली है, तो अपने घर को सजाने के लिए मुझे लड़ियाँ तो लगानी है। सो मैंने क्यों सोचा कि आज मैं आपको ये ब्लॉग दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से लड़ियाँ लगाई एंड अपने घर को किस तरीके से मैंने डेकोरेट किया। क्योंकि आज मैं आपको कोई भी ब्यूटी हैक्स या कोई भी वैसी वीडियोज़ जो एडवाइस वाली वीडियोज़ है वो नहीं दिखाऊंगी। आज मैं सिर्फ आपको एक फ़नी सा ब्लॉग दिखाऊंगी अपने मेरे भाई के साथ जो मैंने बनाया है आज लड़ी लगाते हुए, किस तरीके से मैंने लड़ी लगाई। तो आप उस वीडियो को प्लीज पूरा देखिए एंड बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग वीडियो होने वाली है। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो गाइज, अब मैं आ चुकी हूँ अपनी छत पर। ये है 12 तारीख का ब्लॉग है एंड आई थिंक मैं अपलोड भी इसे कर दूंगी 12 को तो नहीं कर पाऊंगी, देखती हूँ, या 13 को कर दूंगी। एंड यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ, यहाँ पे मैं लड़ी लगा रही हूँ। एंड मैं कई बार कोशिश कर रही हूँ कि लड़ी जो टीन से आगे पहुँचे और पहुँच नहीं पा रही है। सो मैंने बहुत बार कोशिश करी पर नहीं हुआ। फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगी थी क्योंकि मेरी लड़ी बार बार जा नहीं रही थी। और अब की बार मैंने सोचा था क्यों ना मैं लड़ी इस तरीके से लगाऊं जो लटकने वाली है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और अच्छा ब्राइटनेस। तब फिर मैंने सोचा कि मैं रेलिंग से ये करती हूँ उचक के, तब वहाँ पे मैं बैठ के, तब मैंने वहाँ पे से दोबारा दो तीन बार कोशिश करी, तब फिर मेरी लड़ी चली गई थी। तब मेरा वहाँ मेरा भाई भी आ गया था एंड आप देख सकते हैं मेरा भाई मुझे किस तरीके से परेशान करता रहता है। वो काम तो कराता नहीं है पर परेशान बहुत ज़्यादा करता है वो मुझे। एंड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बोल रहा है कि मेरी बहन तो पागल ही हो गई है, इसको बहुत शौक चढ़ रहा है ब्लॉग बनाने का। एंड अब मैंने उसको नीचे भेज दिया कि वो देख ले किस तरीके से लड़ी लग रही है। अब की बार मैंने सोचा थोड़ा सा ऊपर नीचे लगाऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा और अच्छा लुक आएगा घर का। सो इस तरीके से। सो गाइज, आप भी बताना कि आपने अपने घर को किस तरीके से सजाया, उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने किस तरीके से अपने घर को सजाया फॉर दिवाली के लिए। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो अभी के लिए लाइक कर देना। एंड अगर आपको इसके अलावा भी और वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैं हर एक लड़ी को लगाती जा रही हूँ धीरे धीरे करके। कुछ लड़ी मैंने चेक करी थी तो वही लगा रही हूँ, जो मैंने चेक नहीं करी उनको नहीं लगा रही क्योंकि अगर वो फिर बाई चांस ख़राब हो गई तो पूरी मेहनत ख़राब जाएगी। एंड हमारे पास थी तो कई सारी लड़ियाँ पर हम उनमें से बहुत सारी ख़राब भी हो गई थी क्योंकि एक साल पुरानी भी सब हो गई थी, तो इसलिए कुछ लानी भी थी। तो अब मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि मैं अगर नहीं लाऊंगी तो मैं आपको वो उसका आगे का ब्लॉग भी दिखाऊंगी, किस तरीके से फाइनल लुक भी आपको जरूर दिखाऊंगी कि मेरा घर किस तरीके से लगेगा आफ्टर डेकोरेशन के बाद। एंड यहाँ पे मैं थक हार के नीचे बैठ गई हूँ कि मैं किसने सोचा कि मैं टीन पर बैठकर मैं यहाँ पे लड़ियाँ उधर फेंकने लग गई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बार बार करके वो जा नहीं रही थी रेलिंग से। तो मैंने सोचा मैं टीन पर बैठ के कर लेती हूँ एंड अब मैं उसके बाद ऊपर आ गई एंड फिर मैं फिर से लड़ियाँ लगाने लग गई हूँ। अब इधर कोने वाले मिला। अरे इधर बोल, अब इसे खींच दे, खींचना है। अरे तू खींच।
सो यहाँ मैं बस आपको थोड़े से शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स दिखा रही हूँ सी फनी सीन के, जो मेरे भाई और मेरे साथ हंसी मजाक जो हुआ था, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई थी तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा छोटा करने के लिए सिर्फ मैंने आपको फनी क्लिप्स दिखाए हैं। एंड जो फाइनल लुक आएगा, जो मैं पूरी लड़ियाँ लगा दूँगी, अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी एंड ऑफ द वीडियो। अब लाल वाली बता। अब मैं यहाँ पे नीचे आ गई हूँ, मैं छत से नीचे आ गई हूँ और अब मैं इसके बाद यहाँ पे लड़ियाँ लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे अपनी कलरफुल लड़ियाँ लगा रही हूँ। सुबह का व्लॉग यानी 13 तारीख का व्लॉग है ये, आज अगले दिन का व्लॉग है क्योंकि मेरा पूरी डेकोरेशन नहीं हुई थी घर की, तो फिर मैंने सुबह से डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दी थी। सो ये टाइम होगा शायद 12 बजे के करीब का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बंदरवाल लगा रही हूँ, जो लगाते हैं घर के बाहर लगाते हैं, जो पत्तों के होते हैं शुभ लाभ जिसे हम कहते हैं, वो लगा रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो इसके सबसे पहले जो कमरा आता है वहाँ पे भी दरवाजा बिल्कुल खाली खाली सा है, तो वहाँ पे भी सजाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि सजाऊंगी मैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं देखती हूँ, यहाँ पे कुछ कई सारे वो भी थे, लटकन भी थे, एक लटकन ये भी है पर इसके साथ कोई लटकन नहीं है। सो मैं देखती हूँ किस तरीके से यहाँ के सामने वाले मेन दरवाजे को किस तरीके से डेकोरेट करती हूँ। We'll be right back.
आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ अगर आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना यानी थम्सअप देना एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत लगी हो मेरी वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी वीडियो में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, यानी कई बार 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 दिक्कत आ रही थी मुझे वीडियोज़ में, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे आपको या वीडियो में कोई भी बेकार चीज़ लगे, आपको अच्छी चीज़ लगे या आपको बेस्ट पार्ट जो है या आपको जो भी बेकार जो पार्ट है वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं अपनी वीडियो में ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँ। एंड अगर आपको ये ब्लॉग प्लीज़ पसंद आया सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा।